हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट स्टडी जोन शुरुआत कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के शॉर्ट ट्रिक्स की तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं सीधे सीधे एंड क्वेश्चन की ओर तो पहला कंसेप्ट आपके सामने ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे अगर किसी ए का एम्थ टर्म एन है और एन्थ टर्म अगर एम के इक्वल है तो उस ए का कोई भी अन नोन आर्थ टर्म कितना होगा एम प्लस एन माइनस आर एग्जाम्पल के लिए अगर किसी ए का थर्टीनथ टर्म यहाँ पे दिया कितना सिक्सटी नाइन टी थर्टीन इक्वल टू सिक्सटी नाइन एंड टी सिक्सटी नाइन्थ टर्म इक्वल टू कितना दिया है थर्टीन तो आपसे पूछा गया है कि उस ए पी का एक सौ एकवा टर्म कितना होगा वन हंड्रेड वन ओके सो so, क्या तरीका होगा टी थर्टी नाइन ए प्लस आर ए सॉरी एम प्लस एन माइनस वन ओके तो देखिए एम कितना है थर्टीन है एन कितना है सिक्सटी नाइन माइनस वन हंड्रेड वन कर दीजिए जिसके बारे में पूछा गया तो आपका आंसर कितना आ गया माइनस का नाइनटीन तो बड़ी गजब ट्रिक है दो टर्म आपको दिए गए हैं तो आप तीसरा टर्म आप फाइंड कर सकते हैं चलिए अगले ट्रिक पर चलते हैं अगर कहा गया किसी ए -पी का पीएथ टर्म वन अपॉन है और क्यूएथ टर्म वन सॉरी गलत बोल गया मैं। अगर टर्म अपॉन क्यू है एंड क्यूएथ टर्म अपॉन पी है तो आपको बताना है P Q इसका क्वेश्चन करते हैं तो अगर किसी एपी का थर्ड टर्म वन अपॉइन फाइव है और फिफ्थ टर्म वन अपॉइंट थर्ड है तो आपको बोला गया है कि इसका फिफ्टीन टर्म क्या होगा तो एस फिफ्टीन इक्वल टू पी इंटू क्यू पी इंटू क्यू मतलब थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन प्लस वन बाई टू तो आंसर कितना सिक्सटीन बाई टू मतलब कि कितना हो गया एट हो चुका है ओके चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपको किसी सीरीज का सम ऑफ द टर्म दिया गया है तो आप उससे उसकी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर एंड टर्म्स तक का सम दिया गया है तो आप टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या लगती है ट्रिक अगर आपके पास कोई सीरीज है जिसका एंथ टर्म का सम है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन तो आपके जो उसका टर्म होगा एंथ टर्म जो होगा वो कितना होगा वो होगा टू ए एन प्लस बी माइनस ए ओके एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास कोई सीरीज है जिसका एंथ टर्म कितना दिया फाइव एन स्क्वायर माइनस थ्री एन तो सबसे पहले ए और बी की तलाश पूरी कर लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने करा है ए इक्वल टू फाइव है बी इक्वल टू माइनस थ्री है तो जो आपके पास एंथ टर्म आएगा वो कितना आएगा एंथ टर्म आपके पास कितना आ जाएगा देखिए एंथ टर्म आपके पास आएगा टू ए टू ए मतलब फाइव का डबल टेन एन प्लस बी माइनस ए ओके प्लस कितना हो जाएगा b माइनस ए तो b कितना माइनस थ्री माइनस फाइव तो ये हो जाएगा माइनस एट तो यहाँ पर हालांकि पीएथ टर्म पूछा गया था क्वेश्चन में तो टी पी एथ टर्म कितना हो जाएगा अपने पास में टेन पी माइनस एट क्वेश्चन में पीएथ टर्म पूछा गया था ओके okay? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए अगर किसी सीरीज का एंथ टर्म ए पी के एंथ टर्म दिया गया थ्री एन स्क्वायर प्लस फाइव एन तो उस सीरीज का अगर एम्थ टर्म 164 है तो m की वैल्यू फाइंड करिए ओके तो सबसे पहले सम आपको दिया गया तो सम सीरीज़ से पहले क्या बनाइए टर्म सीरीज़ टर्म सीरीज़ कितनी होती है देखिए टर्म सीरीज़ जो होती है वो होती है 2n, यानी थ्री 2n मतलब इसका डबल कर दीजिए सिक्स एन प्लस बी माइनस ए यानी फाइव माइनस थ्री तो ये आपके पास बन गया एन्थ टर्म अब कह रहा है एम्थ टर्म कितना दिया है वन तो एम्थ टर्म दिया है वन यानी टी एम इक्वल टू सिक्स एम प्लस टू इक्वल टू वन सिक्सटी फोर तो सिक्स एम इक्वल टू हो गया वन सिक्सटी टू सो एम इक्वल टू वन सिक्सटी टू अपॉन सिक्स दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन तो आपके पास एम की वैल्यू कितनी आ चुकी है ट्वेंटी सेवन चलिए अब चलते हैं एक और जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक की ओर अब देखिए ये शॉर्ट ट्रिक कहाँ लगेगी आपने देखा होगा आप पी करते समय कुछ क्वेश्चन में कि आपके पास सम दिया रहता है एन टर्म्स का दो ए के दो ए के एन टर्म्स का सम दिया रहता है और पूछा जाता है भाई कि उनके एन टर्म्स की वैल्यू बताइए एम टर्म्स का रेशियो बताइए ओके एन टर्म्स का रेशियो दिया रहता है सम के लिए और आपसे पूछा जाता है टर्म्स का रेशियो मतलब एस एन अपॉन एस डैस एन दिया रहेगा और ए एन अपॉन ए डैस एन आपसे पूछा जाएगा तो इसके लिए रूल याद कर लीजिए जब भी आप सम से टर्म की ओर जाएंगे तो छोटा करिए और छोटा मतलब माइनस तो इस समय आप एन को किससे रिप्लेस करिए तो इस समय जो है आप n को रिप्लेस करेंगे किससे 2n-1 से 2n-1 से ओके 2N okay? जब टू टर्म जाएंगे जब सम सीरीज से आप टर्म सीरीज की ओर जाएंगे तो आप n को किससे रिप्लेस करेंगे n को 2n-1 से रिप्लेस करेंगे और जब आप टर्म से सम की ओर जाएंगे ओके okay? जब आप टर्म <coughs> से सम की ओर जाएंगे ओके okay? टर्म से सम की ओर जाएंगे तो एन को किससे रिप्लेस करेंगे प्लस यानी कि बड़ा करेंगे तो एन को आप रिप्लेस करेंगे एन प्लस वन बाई टू से तो एक मिनट समय देकर इसको नोट कर लीजिए ये बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है ओके okay? तो अगर आपके पास टर्म है और टर्म से आपको सम की तरफ जाना है तो आपको n को किससे रिप्लेस करना है आपको n को रिप्लेस करना है n प्लस वन बाई टू से और अगर आपके पास सम है और सम से आपको धर्म की तरफ जाना है तो छोटा करना है इसलिए आप n को किससे रिप्लेस करेंगे n को आप रिप्लेस करेंगे 2n 1 से डन तो ये चीजें आपको बननी चाहिए आइए इस पर कुछ क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाए है ना तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड हुए चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है कहा जा रहा है कि आपके पास द रेशियो ऑफ n n टर्म्स ऑफ एन एपी एपी के n टर्म्स का रेशियो दिया जा रहा है कितना एपी के एन टर्म्स का रेशियो सम का रेशियो सॉरी एन टर्म्स का रेशियो नहीं गलत बोल गया मैं सम का रेशियो द रेशियो ऑफ सम ऑफ़ एन टर्म्स ऑफ ए मतलब पहली सीरीज एस एन और दूसरी सीरीज एस डेस एन का जो रेशियो दिया जा रहा है आपको कितना दिया जा रहा है थ्री एन प्लस एट अपॉन सेवन एन प्लस फिफ्टीन सेवन एन प्लस फिफ्टीन और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि बारहवें टर्म का रेशियो क्या होगा मतलब आपसे एट ट्वेल्व अपॉन ए डैस ट्वेल्व पूछा गया तो मैंने बताया था जब भी आप टर्म से किससे सम से जब भी आप सम से टर्म की ओर जाते हैं तो आप किससे किसको रिप्लेस करते हैं तब आप जो है एन को टू एन माइनस वन से रिप्लेस करते हैं ओके तो एन को आप किससे रिप्लेस करेंगे टू एन माइनस वन से तो यहाँ पे एन की जगह कितना आ जाएगा टू एन माइनस वन प्लस एट और यहां पे भी सेवन इन टू टू एन माइनस वन प्लस कितना फिफ्टीन ठीक है ना अब देखिए एन क्या चाहिए यहाँ पर आपको एन का 12 बोला है ना तो एन की जगह 12 भी तो रखना जरूरी है तो 3 इन टू टू इंटू ट्वेल्व ट्वेंटी फोर माइनस वन ट्वेंटी थ्री प्लस एट ओके और नीचे कितना आ जाएगा सेवन इंटू टू इंटू ट्वेल्व कितना हो गया वही आएगा ट्वेंटी थ्री ही आएगा और प्लस कितना आ जाएगा एट आ जा प्लस फिफ्टीन आ जाएगा यहाँ पे ना प्लस फिफ्टीन है चलिए तो ये कितना हो गया भाई सिक्सटी नाइन प्लस एट ओके okay, ऊपर कितना आ गया भाई साहब आपके पास में सेवेंटी सेवन और नीचे कितना आ जाएगा नीचे सातियाँ इक्कीस की एक और सात दो चौदह पंद्रह सोलह वन सिक्सटी वन प्लस फिफ्टीन ओके okay, कितना आ जाएगा देखो भाई पाँच और एक छः एक सात और एक आंसर आया सेवेंटी सेवन अपॉन वन सिक्सटी सिक्स करेक्ट आंसर है भाई 77 सेवन अपॉन वन सिक्सटी सिक्स तो इस तरीके से एक बेहद ईजी कंसेप्ट है आप लोग बड़े प्यार से इसको कर सकते हो चलिए तो 77 सेवन अपॉन वन इसका आंसर बन गया है तो याद रखिएगा क्या याद रखना है आपको सम सीरीज टू टर्म सीरीज जाने के लिए सम से टर्म जाएंगे तो 2n एन माइनस वन पुट करेंगे और जब टर्म से सम जाएंगे तो n प्लस वन बाई टू लगाएंगे ठीक है ना चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन क्या है द रेशियो ऑफ एंथ टर्म आपके पास एंथ टर्म का रेशियो दिया गया है ए एन अपॉन एन ऑफ द टू ए पी एज टू एन प्लस एट अपॉन फाइव एन माइनस थ्री ये दिया गया है और आपसे पूछा गया है एस एन अपॉन एस डैस एन बताइए सम का इश्यू क्या होगा तो मैंने बताया था ना सम के लिए क्या करते हैं एन को रिप्लेस करते हैं एन प्लस वन बाई टू से तो आइए रिप्लेस करते हैं तो टू इन टू एन प्लस वन बाई टू और प्लस एट और यहाँ पे फाइव इंटू एन प्लस वन बाई टू फाइव इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस का थ्री अब किस सम का किस टर्म का रेशियो पूछा इन लोगों ने किस सम तक का रेशियो पूछा है? यहाँ पर इन लोगों ने बोला है ट्वेंटी नाइन्थ टर्म का सम तो एस ट्वेंटी नाइन अपॉन एस डैस ट्वेंटी नाइन चलिए तो वैल्यू ही रखना और कुछ है नहीं सो टू ट्वेंटी नाइन प्लस वन कितना होता थर्टी बाई टू मतलब हो जाएगा पंद्रह मतलब ऊपर भी पंद्रह रखो और प्लस एट और नीचे भी कितना रखो पंद्रह और माइनस का थ्री तो दो गुणे पंद्रह तीस प्लस आठ हो गया अड़तीस ओके थर्टी एट और दो गुणे पंद्रह है ना दो गुणे पंद्रह है कि पाँच गुणे पंद्रह भाई पाँच था यहाँ पे मैंने दो कर दिया गल गलती हो गई तो पाँच गुणे पंद्रह पचहत्तर पचहत्तर माइनस थ्री इक्वल टू कितना सेवेंटी टू तो यहाँ तक पाँच आया था मिसप्रिंट हो गई थी थोड़ी सी सो करेक्ट आंसर कितना आ गया देखिए थर्टी एट अपॉन सेवेंटी टू तो यहाँ पर आपने क्या किया है यहाँ पर आपको टर्म सीरीज़ को सम सीरीज़ में बदल करके लाए हैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ जब भी आप टर्म को सम में कन्वर्ट करेंगे ओके जब भी आप टर्म को ए एन को सम में कन्वर्ट करेंगे तो एन को किस में रिप्लेस करेंगे एन प्लस वन बाई टू में और जब भी आप सम को टर्म में रिप्लेस करेंगे तो एन को किस में रिप्लेस करेंगे एन को आप रिप्लेस करेंगे तब टू एन माइनस वन में किस में रिप्लेस करेंगे टू एन माइनस वन में ठीक है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन है फॉर्मूले में बट प्रैक्टिस करते रहिए याद हो जाएगा जरूर याद हो जाएगा सम से टर्म और टर्म से सम डन चलिए एक और टर्म लिखिए एक और सॉरी टर्म नहीं बोलना चाहिए एक और ट्रिक लिखिए ए पी की एक और ट्रिक ए पी का एक रिज़ल्ट है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक रिज़ल्ट और है कि अगर किसी ए पी के पी टर्म्स तक का सम अगर क्यू टर्म्स तक के सम के इक्वल है अगर किसी ए पी के पी टर्म्स तक का सम क्यू टर्म्स तक के सम के इक्वल है तो पी प्लस क्यू टर्म्स तक का जो सम होगा वो कितना होगा जीरो होगा आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अगर आपसे कहा जा रहा है कि किसी ए पी के बीसवें टर्म तक का सम उस ए पी के तीसवें टर्म तक के सम के इक्वल है उस ए पी के बीसवें टर्म तक का सम जो है उस ए पी के तीसवें टर्म तक के सम के इक्वल है तो मैं बता दूं आपको एस फिफ्टी कितना दिखाई दे रहा है एस इक्वल टू ट्वेंटी प्लस थर्टी ही तो दिख रहा है ना और ये आंसर आंख मूंद करके क्या होगा जीरो ओके okay, तो ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं इनकी तैयारी करके रखिए ओके okay, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आज आपको ये ट्रिक हमारी और इसी तरीके के अगर आपको ट्रिक्स के वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिए हम ऐसे ही ट्रिक्स के वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे